नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। त्रासदी समझते हैं आप? टिकटॉक एक ऐसा ऐप है जिसे लोग त्रासदी का नाम दे रहे हैं। गुरुवार को ही मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पर बैन लगाने को कहा है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि इससे पोर्नोग्राफी को बढ़ावा मिल रहा है, केंद्र सरकार इसे तत्काल प्रभाव से हटा दे। अब मेरे हिसाब से भैया बहुत टाइम खाता है ये ऐप। लोग इस पर गाने बनाते हैं, लिपसिंग करके खूब सारी एक्टिंग करते हैं, उसको वीडियो में बना करके और फिर उसे शेयर कर देते हैं। भारत में इस पर बहुत बवाल मचा हुआ है। लोगों का कहना है कि इससे यंग जनरेशन बर्बादी की तरफ जा रही है, ऐसे बहुत सारे लोगों का कहना है। खैर, वैसे भारत ही नहीं, पाकिस्तान में भी इस पर बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान के क्रिकेटर है यासिर शाह लेग स्पिन फेंकते हैं। अपनी टीम के साथ यूएई में थे, ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज थी जिसमें उनकी टीम को 5-0 से हार मिली। हार के बाद फुर्सत मिली तो जनाब मॉल चले गए पार्टी करने। यहाँ उन्हें एक महिला फैन ने पकड़ लिया। अब पकड़ा तो पकड़ा, टिकटॉक पर वीडियो भी बनवा लिया। इस वीडियो पर भयानक बवाल मच गया। 18 सेकंड की इस वीडियो के लिए यासिर शाह को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी से कस के डांट पड़ी है। वीडियो में यासिर महिला फैन के साथ बॉलीवुड गाने पर लिपसिंग कर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस भी इन पर भड़क गए। वैसे एक बात और ये कि मामला क्लियर नहीं है कि उन्हें फटकार लगी क्यों। क्या इसलिए क्योंकि उन्होंने भारतीय गाने पर लिपसिंग की, या फिर इसलिए क्योंकि उन्होंने महिला फैन के साथ वीडियो बनाया, या फिर इसलिए कि वो बिना इजाजत किसी भी जगह पर पार्टी करने के लिए चले गए। तीनों में से कोई मामला साफ नहीं है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर भयानक रूप से भड़का हुआ है। और तो और, खिलाड़ियों के लिए वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाने की भी तैयारी कर रहा है। ये जो आचार संहिता होता है ना, उस टाइप का ही है। वीडियो पर बवाल कटने के बाद यासिर शाह ने इस बात को माना कि वो महिला फैन के काफी जिद करने के बाद वीडियो बनाने के लिए तैयार हो गए थे। साथ ही उन्होंने ये भी माना कि वो मॉल में पार्टी करने के लिए गए थे और उनके साथ उमर अकमल भी मौजूद थे। इस पार्टी के लिए उन्होंने टीम मैनेजमेंट से किसी भी तरह की परमिशन नहीं ली थी। वो कहते हैं ना, परमिशन तो लेना चाहिए ना, उन्होंने नहीं लिया था। पीसीबी से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि वर्ल्ड कप सामने है, ऐसे में खिलाड़ियों को सिर्फ अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान टीम के कोच मिकी आर्थर ने भी कहा है कि यासिर ने अपनी गलती मान ली है। उन्होंने मान ली कि भैया हो गई हमसे गलती, इसलिए इस मामले को तूल नहीं देना चाहिए। यासिर को एहसास हो गया है कि उन्हें सोशल मीडिया पर इस तरह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था, उनसे गलती हो गई। 32 साल के लेग स्पिनर यासिर शाह ने पाकिस्तान के लिए 35 टेस्ट, 24 वनडे और 2 T20 मैच खेले हैं। अब वो वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं और वर्ल्ड कप से ठीक पहले इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सी में पड़ना उनके करियर की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो को फेसबुक पे लाइक कीजिए और अगर ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 2-4 दोस्त और से भी सब्सक्राइब करवाइए। साथ ही साथ लल्लन टॉप ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।